सैफ अली खान अपनी बेटी सारा अली खान के साथ फिल्म लव आजकल 2 में काम नहीं करेंगे। बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ ने इन खबरों को अफवाह बताई। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सारी अफवाहें कहां से आ रही है। विवेक ओब्रॉय ने आज से अपनी अगली फिल्म नरेंद्र मोदी बायोपिक की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म के पोस्टर खासकर विवेक के लुक ने सुर्खियां बटोरी थी। शादी के बंधन में बंधे मन से नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से सलमान खान, शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर और कई नामचीन सितारों ने शाम में 4 चांद लगा दिए। फिल्मी फ्राइडे पर रिलीज हुई 2 फिल्में कंगना रनौत की मणिकर्णिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे ने की पहले वीकेंड पर ताबड़तोड़ कमाई। मणिकर्णिका ने 42 करोड़ रुपए कमाए, वही ठाकरे ने 22 करोड़ रुपए कमाए। करीना कपूर खान के जूतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है उनकी सौतेली बेटी सारा अली खान। सारा को मौका मिल जाए तो वो करीना के सारे जूते चुराना चाहती है। सारा ने ये बात फेमसली फिल्म फेयर के इंटरव्यू में कहा। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय का नया गाना दूरी आउट हुआ। बिना पैसों से कैसे जिंदगी जिया जाए ये इस गाने में दिखाया गया है। फिल्म गली बॉय इस साल की मच अवेटेड मूवीज में से एक है। सारा अली खान ने अपने माता पिता अमृता सिंह और सैफ अली खान के डिवोर्स पर दिया बड़ा बयान। फेमसली फिल्म फेयर के इंटरव्यू पर सारा ने नाराजगी जताई कि वो ऐसे घर में पली बड़ी है जहां दोनों अमृता और सैफ खुश नहीं थे। सारा ने कहा कि दोनों अपने अपने लाइफ में खुश रहते हैं लेकिन एक साथ दोनों की जमती नहीं थी। मुंबई में बॉलीवुड सितारों ने पुलिस को दिया सम्मान। फेमस इवेंट उमंग 2019 कार्यक्रम मुंबई में रखा गया। सारा अली खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान, रणवीर सिंह के परफॉर्मेंसेस ने शाम में 4 चांद लगाई। उमंग पुलिस इवेंट 2019 में एक साथ पहुंचे लव बर्ड्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। दोनों की कई फोटोज हुए वायरल। दोनों ने स्टेज पर शाहरुख खान के साथ किया परफॉर्म। रणबीर कपूर शाहरुख खान के साथ पुलिस की फिल्म करना चाहते हैं। उमंग 2019 इवेंट से दोनों का ये मजेदार कॉन्वर्सेशन हुआ वायरल। एक चीज हुई थी सर, कुछ साल पहले मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी जो बहुत बड़ी डब्बा थी बॉक्स ऑफिस पे, तो मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने रोका। फिर उन्होंने देखा कि मैं था गाड़ी में, तो उन्होंने पहले मेरे साथ एक तस्वीर ली, फिर उन्होंने मुझे एक आधा घंटा का लेक्चर दिया कि मैं कैसे गलत फिल्में कर रहा हूँ और मुझे पुलिस वाले यूनिफॉर्म में एक फिल्म करनी चाहिए। मतलब इतना एक रियलिटी चेक हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। पर आज तक मुझे पुलिस वाली फिल्म ऑफर हुई नहीं है सर। तुम कितने साल से काम कर रहे हो? सर 10 साल हो गए। मैं 26 से कर रहा हूँ, मैंने आज तक पुलिस का रोल नहीं किया है, तो मेरे पीछे होगा। पहले मैं करूंगा उसके बाद तुम करोगे, ठीक है सर? बॉडी बन जाए उसके बाद कांस्टेबल बनूंगा सर। जब आप पुलिस ऑफिसर बनोगे मैं आपका कांस्टेबल। ये आज सर देवेंद्र भारती साहब, जयसवाल साहब, ये प्रॉमिस हो गया है जी। जैसे ही मुझे थोड़ा सा बड़ा रोल मिलेगा मेरे असिस्टेंट का रोल रणबीर करेगा। और सर घंटे का रोल मुझे दे देना सर। तू क्रिमिनल होगा, क्रिमिनल होगा। हमें मुंबई पुलिस के अंदर भर्ती कर लीजिए।